Hello everyone, welcome to Logical Education. I am Raksha Raghuvanshi. और Data Protection Bill Draft, इस draft में क्या है, ये जो final draft है, इस draft में क्या है, ये Data Protection Bill क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, ये सब चीज़ें हम discuss करेंगे और कुछ issues भी हैं इसको लेकर. तो ये क्या issues हैं, क्या concern हैं, इनको भी discuss करेंगे और इससे related कुछ terms मैं आपको बताऊँगी जो आगे आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेंगे. ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के बारे में डिस्कस करते हैं. आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी. इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए. कुछ लोग पूछते हैं कि सब्सक्राइब क्यों का आप क्यों बोलते हैं, तो सब्सक्राइब करने में मेरा भी एक फ़ायदा है. मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का ग्रुप बढ़े, ठीक है. तो मैं से हम और हम बहुत सारे लोग एक साथ एक टीम हो, बहुत सारे लोग हो जो उस पर पढ़े, मैं पढ़ाऊँ. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा तो मेरी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे. 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे यूट्यूब सिल्वर बटन देगा. ये सिल्वर बटन सिल्वर का नहीं होता है, इसका कुछ प्रॉफिट भी नहीं होता, इसमें कुछ पैसे भी नहीं मिलते. बट ये है कि वो एक मेडल की तरह होता है जो मैं बहुत टाइम से चाहती हूँ कि मुझे मिले. तो इसलिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए बात करते हैं अब इस न्यूज़ के बारे में, क्या है ये. तो देखिए, एक थोड़ा सा समझ लेते हैं. बहुत सारी कंट्रीज़ में डेटा प्रोटेक्शन के लिए बिल बनाया गया है, ठीक है. बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया है. तो अब इंडिया भी चाहती है कि यहाँ के लोग, जो हम अभी कंप्यूटर इतना यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं सभी लोग, तो हमारा डेटा जो है वो भी प्रोटेक्ट रहे, यहाँ के लोग प्रोटेक्ट रहे. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, VN श्री कृष्णा कमेटी. और इस कमेटी को बोला गया था कि आप रिकमेंडेशन दो, आप एक ड्राफ्ट तैयार करो जिसमें क्या क्या होना चाहिए हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल में, ठीक है. तो ये बेसिकली 2 साल पहले की बात है, 2019 की, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था. अब इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का है. अब इसका फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है, फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है. जो भी रिकमेंडेशन, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन दी, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, तो ये सब चीज़ हुई. ओके, अब ये जो बिल है वो विंटर सेशन जो चलेगा पार्लियामेंट का, उसमें सुना जाएगा, इस पर डिस्कशन होगा. ये जो बिल है इसकी ज़रूरत क्यों है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो काफ़ी सारा कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा इंटरनेट पर सभी, छोटे से छोटा 2 साल के बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े तक सब लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जिनको नॉलेज है वो भी, नहीं है वो भी. तो इसमें एक रिस्क होता है कि हमारा डेटा लीक ना हो जाए. और इंडिया जैसी कंट्री में अगर डेटा लीक होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अगर पर्सनल डेटा लीक होता है, ठीक है. तो ये कैसे हो रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनीज है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उसके बाद यूट्यूब है, आपका फेसबुक, ये सभी की सभी जितनी भी कंपनीज हैं ये हमारा डेटा स्टोर करती हैं. जैसे हमने कुछ फेसबुक पे सर्च किया, फेसबुक पर तो हम अपना पर्सनल डेटा रखते हैं, इसके अलावा बाकी किसी चीज़ पर भी, जैसे यूट्यूब पर आपने सर्च किया, गूगल पे आपने सर्च किया, या अमेज़ॉन पे कोई चीज़ परचेज़ की, तो आपका क्या होता है, जो आप जो भी चीज़ परचेज़ करते हो, दूसरी साइट पर अगर आप कोई चीज़ और देखते हो तो आपको उस चीज़ के ऐड दिखाते हैं, ऐसा आपने देखा है. तो ये किस तरह से करती है कंपनीज, तो वो इसी तरह से करती हैं कि आपका डेटा, जो भी आपने सर्च किया, जो भी आप ब्राउज कर रहे हो, जो भी आप डेटा उस पर फिल कर रहे हो, वो सब डेटा स्टोर कर लेती हैं विदाउट आर कंसेंट, ठीक है. हमसे पूछे बिना हमारा डेटा स्टोर कर लिया जाता है. वो पर्सनल भी हो सकता है और नॉन पर्सनल भी हो सकता है, दोनों तरह का डेटा आपका स्टोर कर लिया जाता है. तो कंपनीज ये डेटा स्टोर तो कर लेती हैं और थर्ड पार्टी को, किसको ये दे देती हैं, लेकिन इस डेटा अगर ये लीक होता है तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होती. वो बोलती है यार हम तो मेन है ही नहीं, तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होती. तो इससे हैकिंग वगैरह के चांसेस होते हैं और हमारा डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. तो टू होल्ड सच कंपनीज अकाउंटेबल, जिससे कि ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इसके लिए जिम्मेदार हों, गवर्नमेंट ने 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाए. फर्स्ट टाइम ये लाया गया था, 2019 से 2021 आ गया. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस डेटा प्रोटेक्शन में कौन कौन से टर्म है जो आपको आगे आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगे. ये टर्म इंपॉर्टेंट है. जैसे यूज़र है तो यूज़र नहीं बोला जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, डेटा प्रिंसिपल. डेटा प्रिंसिपल ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो डेटा, जैसे कि मैं हूँ तो मैं कुछ चीज़ सर्च कर रही हूँ,
तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेटा प्रिंसिपल, ठीक है, होम द डेटा इज कंसिडरेशन, ठीक है। तो जैसे मेरा डेटा लिया है तो मैं क्या हो गई, डेटा प्रिंसिपल हो गई। ओके, जैसे आप यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा किसी कंपनी ने लिया है तो आप क्या हो गए, डेटा प्रिंसिपल हो गए। डेटा प्रोसेसर कौन हो जाएगा, वो कंपनी जो आपका डेटा ले रही है, आप पर्सन, स्टेट, कंपनी और एनी अदर एंटिटी विच प्रोसेस डेटा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डेटा प्रोसेसर हो जाएगी। तीसरा है डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी कौन हो जाएगा, कोई पर्सन, कोई स्टेट, कोई कंपनी और कोई भी जुडिशियल एंटिटी विच कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज और डिफाइंस हाउ इट कैन बी प्रोसेस्ड। जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो इस चीज़ को देखेगा कि कौन सा डेटा अपलोड होना चाहिए, कौन सा डेटा नहीं होना चाहिए, या वो डेटा से रिलेटेड डेटा को पूरा स्टोर करके रख रहा है। किसी भी कंपनी में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है ना, तो वो कोई पर्सन तो होगा जो स्टोर करके रख रहा होगा, या उनमें कंप्यूटर्स में वो डेटा स्टोर हुआ है, तो उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। तो वो पर्सन, वो स्टेट या वो कंपनी जो भी वो है, वो उसको क्या बोलेंगे, डेटा फिड्यूसरी, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल डेटा कौन सा होता है, पर्सनल, मैंने आपको बोला पर्सनल नॉन पर्सनल दो तरह के डेटा होते हैं। तो पर्सनल डेटा कोई भी डेटा सेट दैट मे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कैन रिवील पर्सनल ऑन द ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। तो मेरा कोई भी, जैसे मेरा नेम हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, मैं कहाँ रहती हूँ, ये सब मेरी से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्सनल डेटा और सिंगल आउट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो एक पर्सन की डेटा जो भी हो गया वो सब पर्सनल डेटा हो गया। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, नॉन पर्सनल डेटा किसी एक इंडिविजुअल का डेटा नहीं होता। लाइक मैं जिस सिटी में रहती हूँ उस सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम एक जैसे लोग एक टाइप की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या चीज़ सर्च करते हैं, किस तरह का इंटरेस्ट है उनका, ये होता है नॉन पर्सनल डेटा। अभी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं डेटा में, तो अभी क्या है, अब कोई भी, जैसे इस तरह का भी एक बिल आया था जिस पर भी मैंने वीडियो बनाया था सोशल मीडिया से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। तो उसमें क्या था, उस बिल में ऐसा था कि आप किसी का पर्सनल डेटा, एक इंडिविजुअल का डेटा नहीं आप रखोगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई चीज़ फ्लिपकार्ट पे सर्च की, ठीक है, आपने कोई टॉप सर्च किया या आपने कोई टी शर्ट सर्च की या आप कुछ भी चीज़ सर्च की, आप देखते हो कि अगर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो साइड में आपको वही वाला टॉप या वही वाला जीन्स या वही वाली चीज़ आपको दिखाई जाती है जैसी आपने सर्च की थी, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल डेटा से वहाँ पर स्विच हो गई। लेकिन इस तरह का डेटा अब रखना अलाउड नहीं है अगर, तो फिर क्या हो सकता है, नॉन पर्सनल डेटा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो इसका सेम तरह का इंटरेस्ट है, जो इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, ये तो नहीं पता कि पर्सनली उस डेट उस पर्सन ने किस तरह की चीज़ यूज़ की, बट सभी लोग उस तरह के, काफ़ी सारे लोग होंगे जो एक तरह की चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन रखना नॉन पर्सनल डेटा होता है। पर्सनल डेटा में आपका ATM वगैरह भी आ जाता है, जैसे कि आप जो भी कार्ड वगैरह यूज़ करते हो तो कार्ड वगैरह भी आपके पर्सनल डेटा में आ जाते हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कार्ड वहाँ पे करते हो तो उसकी डिटेल्स भी रखी जाती है ना, तो भी पर्सनल डेटा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वहाँ से कोई हैकर हैक करके फिर आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकाल ले, तो वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। दूसरा आता है आपका डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये कौन सी होगी, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो बनाई जाएगी, इस बिल में भी है, फॉर द एक्ट विच कैन हैव एडजुकेटिंग पावर्स एंड पास एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज अंडर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कि एक बॉडी बनाई जाएगी जो इस चीज़ को देखेगी कि किसी पर्सन का, जैसे लाइक मैं हूँ तो मेरा कोई डेटा अगर लीक हो गया है या यहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उस कंपनी पर कोई केस कर रही हूँ, तो उस केस को देखा जाएगा, उसमें किसकी गलती है क्या है वो सब चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली उसको कुछ पावर्स होंगी, ओके, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें है क्या बेसिकली, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज किया गया है। पहले इसका नाम क्या था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। बट देखा गया कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ही अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन पर्सनल डेटा भी जरूरी है। इसमें कुछ नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूड है, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो सिर्फ पर्सनल डेटा नहीं होना चाहिए, नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूड है, इसीलिए इसका नाम जस्ट डेटा प्रोटेक्शन रख दिया गया, ठीक है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से बदल के डेटा प्रोटेक्शन, जिसमें पर्सनल भी होगा और नॉन पर्सनल भी होगा। नॉन पर्सनल मैंने ग्रुप ऑफ पीपल का बताया आपको, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर डिमांड की गई है एडिशनल कंप्लायंस की। किसको एडिशनल कंप्लायंस,
फॉर कंपनीज दैट डील एक्सक्लूसिवली विथ चिल्ड्रंस डेटा। अब जैसे कि यूट्यूब पे किड्स सेक्शन आता है, ठीक है, किड्स के लिए। सेम इसी तरह से हॉटस्टार पर देखो तो किड्स के लिए आता है। तो आज की डेट में बच्चे मोबाइल लैपटॉप चला रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो अब और उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो न्यूडिटी वगैरह, मतलब अगर वो कोई चीज़ चला रहे हैं उसमें इस तरह की कोई चीज़ उनको ना दिखाई जाए। कंपनीज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सभी तरह की कंपनीज हैं, जैसे हॉटस्टार वगैरह भी हो गया, कुछ भी कंपनीज हैं, वो इस तरह का ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज़ बच्चों को ना दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि उनके मन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, या वो गलत चीज़ें भी सीख सकते हैं, या हो सकता है उनके साथ कुछ गलत, वो इस तरह की कोई चीज़ देख लें, जैसे कि गेम्स से भी काफ़ी सारे बच्चे की डेथ हो जाती है, जैसे हमने कुछ गेम्स भी पिछले दिनों में सुने हैं, तो बच्चे थोड़े ही मन के कमजोर होते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है उनके साथ, ठीक है। तो उन कंपनीज के लिए एडिशनल कंप्लाइंस है जो डील करते हैं चिल्ड्रंस डेटा के साथ, व आस्किंग देम टू रजिस्टर विथ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जो मैंने आपको बताया इस बॉडी के बारे में, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसके पास पावर्स होंगी कि ये डिसाइड कर सके ऑन इम्प्लीमेंटिंग द लॉज वेरियस प्रोविजंस, ठीक है। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें ये देख पाए, इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। और क्या है फाइनल ड्राफ्ट में, अब कमेटी जो है उसने बोला, ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने बोला, जैसे भी कमेटी, कि पोस्ट फोर इज टू कंसिडर ऑल सोशल मीडिया कंपनीज एज पब्लिशर। एक्चुअली इन्होंने बोला कि अभी तक सोशल मीडिया कंपनीज क्या बोल रही थी कि हम तो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, कोई जैसे मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ अपलोड कर रही हूँ, आप दिख रहे हैं, तो यूट्यूब एक मीडिएटर हो गया जो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। बट यूट्यूब ये बोले कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे जो भी डेटा डाला है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो कमेटी ने बोला कि नहीं, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ऐसा मानो, ठीक है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर कोई डेटा डाला है, तो आप देखो कि वो डेटा सही है या नहीं है। तो कमेटी ने बोला कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो अपने आप को एज अ पब्लिशर कंसिडर करें, ठीक है। तो जैसे कि फेसबुक हो गया, उस पर कोई डेटा डाला है तो ये फेसबुक की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो इसलिए वो अकाउंटेबल हो फॉर कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। नो सोशल मीडिया कंपनी विल अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया। अब ये क्या है, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी इंडिया में वर्क नहीं करेगी, या इंडिया में उसका ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई पेरेंट कंपनी, मान लीजिए जर्मनी की है, जापान की, कहीं की भी कंपनी है, उनका जो मेन ऑफिस है वो तो वहीं पर होगा, लेकिन उनका एक ऑफिस इंडिया में भी होना चाहिए, तभी उसको अलाउ होगा इंडिया में वर्क करना, ठीक है। द टेक्नोलॉजी सेट अप एन ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये है, तो इस पर गूगल ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि आप ऐसा मत करिए, इसके लिए आप ये जो आपने ये वाली लाइन बोली है ये मत करिए, किसी कंपनी का जरूरी नहीं कि ऑफिस इंडिया में रखा जाए। तो इस पर कमेटी गुस्सा भी हो गई थी, ठीक है, तो नाराज हो गए थे। बट इसके लिए काफ़ी सारी, जैसे कि पेटीएम ने बोला कि हाँ ठीक है, ओला उबर ने बोला हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा इसलिए बोला गया है कि अगर ये जो कंपनी है उसका एक ऑफिस इंडिया में होगा, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो इंडिया का डेटा है ना वो आप इंडिया में रखिए, जैसे कि हम इंडिया की पॉपुलेशन, तो हमारा डेटा स्टोर कर रही है कंपनीज, तो वो कहीं दूसरी कंट्री में जाके स्टोर कर रही है जहाँ पे वो पेरेंट कंपनी है। तो अब अगर कोई भी इशू हो जाता है तो उस पेरेंट कंपनी में, मतलब जिस कंट्री में वो होगी वहाँ पे डील करना पड़ेगा इससे, ऐसा ना करके इंडिया में ही ऑफिस होगा, तो फिर यहीं पर सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे अंडर में होगी, हमारे गवर्नमेंट के अंडर में होगी ये सब चीज़ें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपना ऑफिस ना इंडिया में रखिए। तो कुछ जैसे कि मैंने ओला उबर बताया, और इसके अलावा और भी, जैसे पेटीएम ने भी सपोर्ट किया, बट इसके लिए गूगल ने मना किया था, तो गूगल से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि आप एक, जैसे हम अमेजोन पर कोई भी मतलब शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग के लिए हम जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे पेपल हो गया, तो इस तरह का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा आप इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम तो एक्सेप्ट करो, बट उसके साथ आप इंडिया के भी एक्सेप्ट करो, जैसे कि भीम ऐप हो गया, तो भीम यूपीआई आप उसको एक्सेप्ट करो, रुपए में एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो आप इस तरह की चीज़ एक्सेप्ट करो, एक उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो ये फाइनल ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ें हैं। अब फाइनल ड्राफ्ट क्या है वो मैंने बता दिया। इस फाइनल ड्राफ्ट को बनने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे कि ऑफिशियल्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, लॉ ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी ने अपने अपने इन्होंने बताया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने अपने सजेशंस दिए बिफोर द पैनल। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, गूगल, ठीक है, गूगल इंडिया, पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन वेब सीरीज, तो इन सभी ने वर्सेस एज वेल एज अमेजोन इंडिया, ठीक है। तो अमेजोन जो है वो इन सभी ने भी अपने सबमिशंस दिए पैनल को, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ठीक है, ये, तो इस तरह की ये सब चीज़ें चली और इसलिए अच्छा खासा 2 साल का टाइम लग गया इसमें। अब बात करते हैं कुछ कंसर्न की। देखिए यहाँ पर अपोजिशन एमपीज ने कुछ कंसर्न रेज किए हैं, लास्ट में चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए कुछ कंसर्न किए गए हैं यहाँ पे। तो ये कंसर्न क्या है, तो ये मेनली 2 कंसर्न है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको कुछ छूट प्रोवाइड की गई है, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं, किस बेसिस पर, नेशनल सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो ये सबको सेम होना चाहिए बट इनके लिए कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एजेंसीज हैं वो किसी का भी पर्सनल डेटा ले सकती हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो उनको इन्फॉर्म किए बिना उन किसी भी इंडिविजुअल का डेटा ले सकती हैं और इसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पर जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है उस को लेने के बिना ही ये गवर्नमेंट एजेंसीज किसी का भी डेटा ले सकती हैं और उनको ये फ्रीडम है, ठीक है। तो ये एक है। दूसरी चीज़ क्या है कि पेनल्टी प्रोविजंस उन लोगों पर जो कोई भी रूल को वायलेट करते हैं तो उन पर जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं वो रिड्यूस किए गए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो अथॉरिटी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना रहे हैं, ये कौन बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होंगे, जो मेंबर होंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो फिर वो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए काम करें मतलब बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, जैसे सीबीआई। तो इस तरह से होता है कि गवर्नमेंट के लिए बायस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ ठीक नहीं है, तो ये अपोजिशन ने कुछ कंसर्न रेज किए हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।